नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के सेकंड अरिहंत क्लास सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, या फिर यूं कह लो कि SSBN है, सबमर्जिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। तो इसको लेके बात करने वाले हैं और कुछ मिसकंसेप्शन इस पे क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी देश को जो SSBN है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस मेंटेन करने के लिए आपकी नेवी का जो इम्पोर्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, स्पेशली उस केस में जब आपके कंट्री के पास नो फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक की पॉलिसी हो। तो उस केस में अगर कोई आपको न्यूक्लियर मिसाइल से हिट करता है और उसको रिटेलिएट करने के लिए अगर आप सरफेस से अटैक करोगे या फिर एयर से अटैक करोगे, तो उस तरह के अटैक को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जहां तक बात है, अगर आप नेवी से अटैक करोगे, सबमरीन से कोई रिटेलिएटरी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करोगे, तो वो चीज़ ज़्यादा सेफ होती है कि आपके एनिमी को जाके हिट करेगी, क्योंकि एनिमी को ये नहीं पता होगा कि ये मिसाइल सी में कहां से लॉन्च की गई है। तो इसलिए न्यूक्लियर ट्रायड में जो आपकी नेवी की न्यूक्लियर हिट कैपेबिलिटी है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और इसी को देखते हुए भारत ने ये SSBN बनाने शुरू किए थे। और भारत P5 नेशन के बाद पहला ऐसा देश है जिसने SSBN डेवलप किए हैं। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की। और अरिहंत क्लास का जो पहला सबमरीन है INS अरिहंत, जिसे हमने एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के रूप में डेवलप किया था कि किस तरह से ये उभर के सामने आता है। और इसने लास्ट ईयर ही अपना डिटरेंस पेट्रोल कंप्लीट किया है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो भी SSBNs होते हैं वो आपके दुश्मन की पोजीशन से एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बना के रखते हैं कि जहां से वो हिट कर पाए, और इसीलिए ये वाटर की ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास दो ऐसे दुश्मन हैं जहां पे ये हो सकता है कि हमें एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक करनी पड़ जाए, और वो है चाइना और पाकिस्तान। तो इन दोनों को एक ही साथ डिटरेंस के अंदर रखने के लिए कम से कम भी हमें 4 SSBN की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी आपके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर पेट्रोल के बाद मेंटेनेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो एक कंटिन्यूअस डिटरेंस पेट्रोल मेंटेन करने के लिए दोनों कंट्रियों पे आपको कम से कम 4 सबमरीन की आवश्यकता पड़ेगी, और इसीलिए भारत इस प्रोग्राम पे काम कर रहा है। अब जान लेते हैं इन सभी सबमरीन्स के बारे में। तो INS अरिहंत, जो कि हमारा पहला SSBN था और ये तकरीबन 6000 का डिस्प्लेसमेंट है, वो करने में सक्षम है। और इसमें जो रिएक्टर लगा है वो एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, और ये रिएक्टर तकरीबन 83 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। तो वहीं पे INS अरिहंत तकरीबन 12 K15 SLBM को कैरी करने में सक्षम है, और K15 की रेंज 750 किलोमीटर के अराउंड है। और वहीं पे तकरीबन 4 K4 मिसाइल SLBM उसको भी कैरी करने में सक्षम है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। तो आप इन दोनों मिसाइल्स को देखते हो जिनकी रेंज मैक्सिमम 3500 किलोमीटर है, तो इस मिसाइल का इस्तेमाल करके आप चाइना के मेनलैंड में हिट नहीं कर पाओगे। और इसीलिए भारत जो S5 सबमरीन्स हैं उनको बनाने जा रहा है ताकि वो एक लॉन्गर रेंज की मिसाइल्स को कैरी कर सकें, जैसे कि K5 और K6। लेकिन यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है वो जितना बड़ा होगा तो वो उतनी ज्यादा नॉइज क्रिएट करता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां तक बात है INS अरिहंत और अरिहंत की, जो कि INS अरिहंत क्लास का सेकंड सबमरीन है INS अरिहंत, तो इसका भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6000 से लेके 7000 टन के बीच में होने जा रहा है। जहां तक बात है इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके, तो BARC ने जो INS अरिहंत के न्यूक्लियर रिएक्टर थे, नेवल न्यूक्लियर रिएक्टर, उन पे कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो अभी इसके न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके और कैपेबिलिटी को लेके कुछ भी रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा अनुमानित है कि 90 मेगावाट से लेके 100 मेगावाट के बीच में ये रिएक्टर बनाया गया था INS अरिहंत के लिए। और INS अरिहंत भी तकरीबन 12 से लेके 14 K15 SLBM कैरी करेगा, वहीं पे 4 से लेके 6 K4 SLBM कैरी करने जा रहा है। तो इसके लिए अभी किसी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को एक सीक्रेसी मेंटेन करते हुए 2017 में लॉन्च किया गया था, और INS अरिहंत ने अपने सारे सी ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। और ऐसा अनुमानित है कि जनवरी और फरवरी में INS अरिहंत को कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में, जो कि भारत को हेल्प करेगा किसी एक दुश्मन पे कंटिन्यूअस डिटरेंस मेंटेन करने में। अब बात करते हैं अरिहंत क्लास के ही अगले सबमरीन के बारे में, जो कि S4 और S4 स्टार है। तो S4 और S4 स्टार ये दोनों ही 10,000 टन कैटेगरी से नीचे होने जा रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि ये भी कम नॉइज जनरेट करेंगे। वहीं पे इन दोनों की जो पैरेलल मिडल बॉडी है उसको तकरीबन 10 मीटर से बढ़ाया जा रहा है, और इसके साइज को भी बढ़ाया जाएगा। और ऐसा अनुमानित है कि ये दोनों 7,000 से लेके 8,000 टन कैटेगरी के सबमरीन होने जा रहे हैं, और इसके लिए एक और रिएक्टर BARC डेवलप कर रही है। इसमें से जो आपका S4 सबमरीन है उसे जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा, और इन दोनों को 2024 तक कमीशन कर लिया जाना है। अब बात करते हैं आपके S4 और S4 एस्ट्रिक के जो फायर पावर है उनके। तो ये दोनों सबमरीन तकरीबन 24 K15 SLBM को कैरी करेंगे, और वहीं पे 8 K4 SLBM को कैरी करने जा रहे हैं। और जो आपके S5 सबमरीन होंगे, जिसमें साइलो हम्प भी ऐड किया गया है, तो वो सबमरीन कैपेबल होंगे एक लॉन्गर रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं उनको कैरी करने में, ताकि एक लंबे डिस्टेंस पे आप कहीं भी हिट कर पाएं। तो INS अरिहंत के डिस्प्लेसमेंट और फायर पावर को लेके काफी मिसकंसेप्शन थे, तो होपफुली अब ये क्लियर हो चुके होंगे। तो अब एक नजर डाल लेते हैं INS अरिहंत और INS अरिहंत में लगे सोनार सिस्टम के ऊपर, जो कि USS-2 है, जिसे DRDO के NPOL ने डेवलप किया है। और ये सोनार सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम है, इसे USS-2 के नाम से बताया जाता है, और इसको प्राइमरीली डेवलप किया गया था जो भी किलो क्लास सबमरीन है उनमें लगाने के लिए, और ये उनमें लगे जो भी रशियन काउंटर पार्ट है उससे सुपीरियर है ये पूरा सिस्टम। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो भी आपका USS-2 है
वो एक इंटीग्रेटेड सोनार है, मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारे सोनार सिस्टम है जो कि एक्टिव और पैसिव सोनार का एक कॉम्बिनेशन है। तो उसेस 2 को BEL ने डेवलप किया है DRDO की टेक्नोलॉजी लेके। तो इस पूरे उसेस 2 में पैसिव सोनार है, एक्टिव सोनार है, इंटरसेप्ट सोनार है जो कि इसके फ्रंट सेक्शन के साथ साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लगाए गए हैं। बात करते हो इसमें लगाए गए पैसिव सोनार की, तो एक आप बड़े एरिया को सर्च करने के लिए पैसिव मोड अपना सकते हो। और इसका पैसिव मोड कैपेबल है मल्टीपल टारगेट को सर्विलेंस करने में, जो कि तीनों एक्सिस पे आपको सर्विलेंस देगा। और इसका पैसिव सोनार ऑटो ट्रैक कर सकता है 6 टारगेट को। और इसमें वेरियस तरह के प्रोसेसिंग मोड दिए गए हैं, लो फायर, डेमन, क्लासिफायर और स्पेक्ट्रल प्रोसेसिंग। तो डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग इसमें दी गई है। बात करते हो इसके एक्टिव सोनार की, तो उसमें 3 सेलेक्टिव पल्स विड्थ दी गई है। और इसका जो सोर्स लेवल है एक्टिव सोनार का वो काफ़ी हाई है। और इसका एक्टिव सोनार जो आपके टारगेट है उसकी रेंज एस्टिमेट कर सकते हैं। बात करते हो इसके इंटरसेप्ट सोनार की, तो ये बेसिकली इसलिए ऐड किए गए हैं ताकि आपको एक अर्ली वार्निंग मिल सके लॉन्ग रेंज के टारगेट डिटेक्शन के बाद। और ये चारों तरफ से आपको कवरेज देते हैं जो भी आपके इसके इंटरसेप्ट सोनार हैं। और ये 3 बैंड में ये काम करने में सक्षम है। और वहीं पे इसमें दिए गए जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो भी आपके नेटवर्क ग्रेड के कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको मैच करते हैं, जिसमें 3 सेपरेट एलिमेंट दिए गए हैं और वो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको 120 डिग्री को कवर करने में सक्षम है। वहीं पे इसमें ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सोनार भी लगाए गए हैं इस उसेस 2 में। और ये जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सोनार है ये हाई फ्रिक्वेंसी लेकिन शॉर्ट रेंज के सोनार हैं, जिसमें जो ट्रांसड्यूसर है वो रेक्टेंगुलर ट्रांसड्यूसर लगाए गए हैं। तो ये आपको समुद्र की सतह पे किसी भी प्रकार के जो रफ सर्फेस है या फिर ऊंची घाटियां हैं उनसे कोलाइड होने से बचाएगा आपको। तो कुछ इस प्रकार से INS अरिहंत और INS अरिघट होने जा रहे हैं। और INS अरिघट को 2020 के शुरू के ही 2 से 3 महीनों में कमीशन कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।